हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपके अपने चैनल नेहा दीप की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली रक्षाबंधन स्पेशल मोहन थाल की रेसिपी, जो हमारे गुजरात की स्पेशल रेसिपी है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेजरमेंट में मैंने एक कटोरी घी लिया हुआ है, एक कटोरी बेसन लिया हुआ है, एक कटोरी मावा लिया हुआ है और एक कटोरी चीनी ली हुई है। इसके बाद मैंने फ्राई पैन रख दिया था, उसमें एक बड़े चम्मच मैंने घी डाला हुआ है। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जब हमारा पूरा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हमें डालना है 2 बड़े चम्मच दूध। दूध डालते ही गैस को हमें ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, दूध है ना हमारा बाहर को छटके। यहाँ पर मैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना तो भूल ही गई, यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बड़ा सा इस तरीके का कोई पतीला है, आपको जो भी बर्तन आपके घर में हो वो ले सकते हैं। उसके अंदर जो मैंने एक कटोरी भर के बेसन लिया हुआ था ना, उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर जो मैंने घी और दूध गर्म किया हुआ था उसको धीमे धीमे से डालना है फ्रेंड्स, हमें एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो इसमें क्या बड़ी बड़ी गांठ जैसे पड़ जाएंगे, तो फिर हमारा बेसन अच्छे सेट नहीं होगा। चम्मच की मदद से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें चला लेना, जैसे हम घी वगैरह की बाइंडिंग लगाते हैं ना कुछ भी बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें एक बाइंडिंग लानी है। तो आप देख सकते हो धीमे धीमे हाथों से मसल 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 के हमें इस तरीके से करना है। तो आप देखोगे धीमे धीमे मैं इसको मसल ले रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, जब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था घी और दूध को, तो इसके बाद हमें इस तरीके से बेसन को दबा दबा कर सेट कर देना है। इसको इस तरीके से दबाएंगे ना तो हमारे जो बेसन है ना उसके अंदर एक स्मूथी रूरी जैसी तैयार होगी। मैं आपको बेसन की बर्फी बनाना नहीं सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मोहन थाल है। इसको मोहन थाल बोलते हैं, हमारी गुजरात की स्पेशल मिठाई है। रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, सब लोग इसको बना के रेडी करते ही हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, इसको 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे जैसे तो जो हमारा बेसन है इस तरीके से इसमें रूरी बन गई। फिर हमें जो छलनी होती है, हमारी छलनी ले लेनी है, इससे हमें बेसन को अच्छे से छान लेना है। तो जिसमें बड़ी बड़ी रूरी वगैरह होंगी ना वो निकल जाएंगी, और जब हम इसको छानते हैं तो इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा बेसन है ना अच्छे से छन जाएगा, इसमें कोई रोरी वगैरह नहीं रहेगी। तो हमें इतनी चलने की वजह से इस तरीके से दबा दबा के बेसन को अच्छी तरीके से छान लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हो एज इट इज़, आपको भी सेम ऐसे ही कर लेना है। देखिए मैंने सारा बेसन को छान के रेडी कर लिया, ये देखिए कितना हमारा लग रहा है ना स्मूथी टाइप का बेसन बन के रेडी हो गया। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, जो मैंने एक कटोरी घी लिया हुआ था, जो स्टार्टिंग में मैंने घी यूज़ किया था ना इससे ही यूज़ किया था 1 चम्मच, फिर बाकी का जो घी बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को लो रखना है फ्रेंड्स, और बेसन को हमें इसके अंदर डाल के अच्छे से हमें मध्यम आँच पे इसको भून लेना है। आप देख सकते हो भूनते भूनते जो हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी है इस तरीके की हो जाएगी। तो इसी टाइम पे मैंने जो मावा लिया हुआ था ना एक कटोरी भर के, वो मावे को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर से एक बार हमें कंटिन्यू फटाफट चलाते रहना है, इससे क्या जो रोरी वगैरह है ना हमारे बेसन में ना हो। गैस की फ्लेम को सारी प्रोसेस के अंदर हमें लो ही रखना है, हाई या मीडियम फ्लेम बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो हमारा बेसन इकट्ठा हो गया था, आप देख सकते हो तली में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो गया था। आप देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ्रेंड क्या किया हुआ है, एक कटोरी भर के चीनी ली हुई है, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और 2 कटोरी भर के मैंने इसके अंदर पानी लिया था। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है, कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहना है। हमें एक चाशनी तैयार करनी है एक तरह वाली, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया हुआ था, फूड कलर लेना थोड़ा जरूरी है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, जो हमारा बिल्कुल मार्केट वाला होता है ना मोहन थाल, गुजराती स्टाइल बना रही हूँ मैं गुजराती हूँ, तो मैं आपको परफेक्ट गुजराती स्टाइल में ही सिखा रही हूँ, जो हमारे गुजरात में होता है उस तरीके से ही मैं आप लोगों को मोहन थाल की रेसिपी सिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं कंटिन्यू चाशनी को पकाते रहना। फिर मैंने फ्रेंड्स क्या किया है, ली है एक फ्लैट डिश, आप देख सकते हो डिश बाउल जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। उसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया था, इस तरीके से हमें घी से ग्रीस कर देना है। फिर आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो मोहन थाल की चाशनी है लगभग लगभग फ्रेंड्स बन गई। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है कि नहीं। इस तरीके से हमें एक चम्मच में निकाल लेना है, आप देख सकते हो ये देखिए आपको तार दिख रहे हैं इस तरीके का। जब तार बनने लगे तो हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हो। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम में फ्रेंड्स जो हमने बेसन भून के रखा हुआ था उसको इस तरीके के
फ्लैट बर्तन में निकाल लिया है और धीमे धीमे चाशनी को हमें इसके अंदर ऐड करना है, एक साथ में नहीं डालना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी चाशनी ज़्यादा भी हो सकती है। धीमे धीमे इस तरीके से हमें डाल लेना है। आप देख सकते हो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था चाशनी को, फिर जो मैंने फ्लैट डिश ली हुई थी ना इसके अंदर हमें अच्छे से इसको फैला देना है हमारे बैटर को। आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया था। और एक कटोरी ले ली, इससे क्या हमें चिकना कर देना, हमारे ऊपर से एकदम चिकना हो जाएगा, मार्केट जैसा देखेगा मोहनथाल। फिर मैंने मेरे फेवरेट नट्स बादाम से डेकोरेट किया है, आप चाहो तो कोई दूसरे भी फेवरेट नट्स ले सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद फिर मैंने हल्का सा गुनगुना गुनगुना सा है अभी हमारा बैटर, तो मैंने इसमें कट मार्क्स लगा दे रही हूँ, उससे क्या होगा जो फिनिशिंग है ना हमारी अच्छी आएगी। आई कैन बिलीव इट, आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि आपने कुछ घर के बेसिक सामान से ही इतनी महंगी मिठाई बना के रेडी की। हमारे गुजरात में तो आपके हर घरों में मिलेगी, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, कोई भी बार त्यौहार हो तो हमारे गुजरात में बनाते ही बनाते हैं स्पेशल मिठाई हमारे गुजरात की। ये बेसन की बर्फी नहीं है, इसको मोहन थाल बोलते हैं फ्रेंड, जो हमारे कान्हा जी को बहुत पसंद थी तो इसको मोहन थाल बोलते हैं। देखिए हमारी कितनी स्मूदी, कितनी मस्त परफेक्ट बनकर रेडी हुई है हमारी मोहन थाल की रेसिपी। बातों ही बातों मैंने कब इसको बना के रेडी कर लिया मुझे पता भी नहीं चला फ्रेंड। वाह फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी परफेक्ट मोहन थाल की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आई होप, आशा करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आनंद उठा सकें ऐसी महंगी महंगी रेसिपी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।